तो क्वेश्चन है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. अच्छा चलो मान लो फोटोन मूव करता है, फोटोन किस स्पीड से मूव करता है, सी, तो उसका मास तो चेंज होगा ही होगा, तो मान लेते हैं उसका रेस्ट मास एम नॉट है और ये फॉर्मूला लगेगा, और वी की जगह क्या पुट करेंगे, सी. जैसे सी पुट करेंगे तो एम नॉट क्या जाएगा, जीरो. सही है इसका मतलब, मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि रेस्ट मास जो होता है वो फोटोन का क्या होता है, या मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो. ठीक. जैसे क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन आफ्टर इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा टकरा के, वो फोटोन ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू द कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन. अपने कुछ एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन को जो है कोलाइड कर देगा. सो इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, ये तो वेरी शॉर्ट है, इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज. नो. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है तो ही ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा. नेक्स्ट है आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, ये बहुत आता है, आउट ऑफ माइक्रोवेव्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रा विच रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटालिक सर्फेस. आंसर इज अल्ट्रावायलेट. रीजन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है तो एनर्जी ज्यादा होती है, तो सभी वेव में से अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है, एमिशन ज्यादा है. आपको याद है जब मैंने ड्यूल नेचर शुरू करवाया था, साइंटिस्ट की हिस्ट्री बताई थी, आपने नोट किया होगा, वो अपने एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रावायलेट से अपना एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो, क्योंकि एनर्जी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन है. कैन एक्सरे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखो कोई अगर क्वेश्चन आ जाए, पता है तो पता है, नहीं पता तो कर क्या लोगे, कुछ भी नहीं. तो आंसर इज यस, एक्सरे कर सकता है. नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन W1 एंड W2. तो अल्ट्रावायलेट लाइट को कह रहा है एक मेटल का वर्क फंक्शन W1 है और एक का W2 है. इन विच केस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बी ग्रेटर. अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की होती क्या है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. अब जिस भी देखो एच न्यू फोटोन की एनर्जी दोनों के लिए सेम है, दोनों सब्सटेंस के लिए सेम है, एक का वर्क फंक्शन बड़ा है. आप सिर्फ ये देखो ये वाली जो टर्म है ये तो है कॉन्स्टेंट, ये तो है कॉन्स्टेंट, तो जिसका वर्क फंक्शन बड़ा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है. तो जिसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा तो बहुत सारी एनर्जी तो उसके बॉन्ड तोड़ने में लग जाएगी, तो बाहर क्या निकलेगा वो, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. डस स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. नहीं, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए. तो नेक्स्ट है इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी, आंसर इज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है इसी पढ़े 18th, जिसमें टू बीम्स वन ऑफ रेड लाइट एंड अदर ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो एक रेड है और एक ब्लू लाइट है, विच वन ऑफ द टू बीम्स एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ब्लू ऑब्वियसली, अल्ट्रावायलेट क्या होती है, ब्लू, तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है, ब्लू कलर की ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है 19th, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय ग्रीन लाइट, बट इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बाय येलो लाइट. कह रहे ग्रीन लाइट तो एमिट कर गई, येलो नहीं कर पाई. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ठीक है आप बताओ मुझे, अगर मैं इन कलर की जगह रेड या ब्लू लाइट यूज करता तो एमिशन होता कि नहीं होता. तो रेड के बारे में क्या बोलेंगे, नो. नो क्यों, क्योंकि जो रेड है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है येलो से क्या होती है, कम होती है. अब रेड की फ्रीक्वेंसी येलो से कम है, येलो तो निकाल ना पाया तो रेड कहां से निकालेगा, क्योंकि जब येलो की ही फ्रीक्वेंसी कम है वो एमिशन नहीं कर पाया तो रेड तो नहीं कर पाएगा. और दूसरा पार्ट है ब्लू, ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है कलर्स में,
तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से भी बड़ी है, ग्रीन तो एमिशन कर पाया तो फिर ब्लू तो पक्का कर ही पाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट। सेम रिपीट है, होमवर्क रिपीट है, वही सेम। 24 तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज्ड, वेवलेंथ फोटोन की कम करना यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी फोटोन की बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट है 33। क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज लैम्डा, तो व्हाट वुड बी दी वेवलेंथ अगर काइनेटिक एनर्जी के बाई फोर हो जाए। तो लैम्डा का और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हमने किया था लैम्डा एच अपॉन पी, और मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 mk। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो लैम्डा, और अगर एनर्जी के की जगह के बाई फोर है तो लैम्डा डैश। तो आप इसे और इसे डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना, 2 लैम्डा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 34। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स एट अ टेम्परेचर टी केल्विन मे बी टेकन इक्वल टू के टी। तो कह रहा है कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो के टी के इक्वल ले लिया जाए। ज़्यादातर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादातर एटम के पास ये एनर्जी है के टी। टेकिंग मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज एम एन लैमडा बी, स्टेट डिपेंडेंस ऑफ लैम्डा बी ऑन एम एन टी। तो देखो वो कह रहा है कि जो इस केस में मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, के का फॉर्मूला चेंज कर रहा है, वो के नहीं ले रहा, वो क्या ले रहा है, वो के टी लेने को बोल रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, वैसे मेरे को पता है कि फॉर्मूला लैम्डा का ये होता है प्रोटो न्यूट्रॉन्स का या प्रोटोन्स का, तो के की जगह रिप्लेस करेंगे के टी। तो कह रहा है लैम्डा कैसे डिपेंडेंट है मास और टेम्परेचर के साथ, ऐसे। वो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो के की जगह के टी पुट करेंगे, दैट्स इट। फोटो सेल को इलेक्ट्रिक आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोटो सेल हमारी आँख की तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचान लेता है कि ज़्यादा लाइट आ रही है या कम लाइट आ रही है। तो फोटो सेल में भी ज़्यादा लाइट आ रही है, ज़्यादा फोटोन्स आ रहे हैं तो ज़्यादा करंट पैदा होगा, और कम आ रही है तो करंट कम करंट होगा, पहचान लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक आई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, राइट थ्री करेक्टरिस्टिक फीचर
इन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हमने ड्यूअल नेचर में एक टॉपिक किया था क्या, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। और फिर अगला टॉपिक था कि एक तो वेव पिक्चर थी, एक फोटोन पिक्चर थी। फोटोन पिक्चर सही एक्सप्लेनेशन दे रही थी, वेव पिक्चर फेलियर शो कर रही थी। तो वो जो थ्योरी के 5-6 पॉइंट थे उनमें से कोई मर्जी पॉइंट लिख देना, ये क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं डिस्कस कर रहा, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी पूछ रहा है, तो हमने की हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो, बहुत आता है ये वेव थ्योरी की फेलियर क्या है, फोटोन पिक्चर क्या है। देखो और भी आएगा, ये देखो, राइट द बेसिक पिक्चर ऑफ फोटोन पिक्चर। देखो फीचर ऑफ फोटोन पिक्चर, ये आता है, बहुत आता है। फोटोन पिक्चर के 5-6 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, उसे फीचर लिख देना 5-6 जो आपने लिखने हैं। तो हमने कर लिया ये। नेक्स्ट है टू करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्व इन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विच सपोर्ट फोटोन पिक्चर। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, फोटोन पिक्चर को डिस्कस करो, ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉब्लम, क्या हमने किया हुआ है चेक करो। क्या हमने ये क्वेश्चन किया है सेम किया है, मिलता जुलता किया है, सेम नहीं है, देखने में एक जैसा है, क्या डिफरेंस है, हमने क्या किया और इसने क्या पूछा। डायग्राम देखने में तो सेम ही है, इसमें भी सेम किया। तो ग्राफ, हाँ हमने जो ग्राफ किया था वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल था और यहां पर फ्रीक्वेंसी थी। ये ग्राफ पूछ ही रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो सेम कैसे हुआ। तो ये ग्राफ है किसका निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, हमने नहीं किया। देखने में डायग्राम एक जैसा है, वो क्या कर सकते हैं, पर गलत हो जाएगा अगर आपने वो सेम पार्ट कर दिया जो हमने किया। देखने में एक जैसा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये कैसे बना डायग्राम, इसको ऐसे करो, सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हमें ग्राफ किसका बनाना है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी का। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये क्या होगी स्लोप। तो इसकी स्लोप आपको क्या देगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव प्लैंक्स कांस्टेंट, जबकि हमने जो किया था स्लोप क्या होती थी, एच अपॉन ई फर्क था उसमें, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, एच अपॉन ई की जगह एच हो गया। और दूसरा इसके अंदर वर्क फंक्शन कैसे आएगा, ये क्या बनेगा, माइनस डब्ल्यू नॉट इंटरसेप्ट, ये तो यही क्या है इसका वर्क फंक्शन। तो यानी कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल गिव वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, समझ में आ रहा है। उसमें कुछ और था, उसमें शायद डब्ल्यू नॉट बाई ई कुछ ऐसा था। ग्राफ डिफरेंट है, मतलब आपको इक्वेशन से बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट क्या होगा, डब्ल्यू नॉट बाई एच, सिंपल। नेक्स्ट है डिफाइन कट ऑफ वोल्टेज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या पोटेंशियल है, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है फोटोन गिरने के बाद, उसको रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है वो कट ऑफ पोटेंशियल है, ऐसा ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, राइट। अगर तो आ गया ये दो नंबर का या एक नंबर का, फिर तो ठीक है, दो लाइनें लिखी डन। अगर आ गया तीन नंबर में, फिर क्या करोगे, दो लाइनों का तीन नंबर को ही देता, थोड़ा सा लिख देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखा देना। एक ही तो क्वेश्चन आती है आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ईवी नॉट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ से सॉल्व करके स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल देना। अब कुछ तो लिख के आओगे दो लाइनें और, तो ऐसे मत छोड़ाना कि मेरा पेपर अच्छा हो गया, फिर मत कहना कि नंबर कम आए, थोड़ा सा मैथमेटिकल लिख देना, और तो क्या ही है, समझ में आ रहा है। और अगर और लिखना है, ये देखो ये तो और मेरे से भी ऊपर है, ये तो ग्राफ भी बना के आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो फिर ये भी शो कर रहा है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी बना दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है, अभी देखना भी पड़ता है ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है।
पूछा है फिर तो बनाना ही पड़ेगा। तो 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए और आप ये सोच रहे हो मैं 2 लाइनें लिखा हूं और मुझे 4 नंबर मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। वो नहीं, टीचर की इंटेंशन गलत नहीं है, आपके जो पड़ोसी है ना वो बढ़िया लिख के आएंगे 4 नंबर में, तो वो कंपैरिजन हो जाएगा कि वो कहेगा यार पुराने बच्चे ने बढ़िया लिखा था, इससे ठीक नहीं लिखा लगता है। तो थोड़ा सा वो एंड में सिखाऊंगा क्या प्रेजेंटेशन करनी है, वो एंड का काम है। अब पूरा सिखा के भेजूंगा लाइनें कहाँ खींचनी है पेंसिल से और कहाँ नहीं खींचनी, ये भी तो पार्ट ऑफ गेम है ना। 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा बता रहा हूँ आपको, कम से कम। हैंड राइटिंग के नंबर नहीं है पर इस चीज़ के नंबर कहीं ना कहीं ऐड ऑन तो होते ही हैं नीट एंड क्लीन पेपर के, बाद में देखेंगे। अभी नॉलेज गेन कर लो, ये ड्रामे बाद में देखेंगे कैसे करने हैं। ये किया हुआ है हमने, ये लो 10th। देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोचो। व्हेन अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज रेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स है, स्क्वेयर ऑफ वी मैक्स स्क्वेयर इज ऑब्जर्व्ड टू वेरी विद न्यू। क्या हमने ये ग्राफ किया हुआ है? सिमिलर किया हुआ है, क्योंकि हमने यहां वी नॉट लिया था, ऊपर वाले ग्राफ में हमने कुछ और लिया, इसमें वी मैक्स का। तो पहले इक्वेशन तो बनाओ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वी मैक्स स्क्वायर एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये क्या बनेगा वाई एक्सिस, ये क्या बनेगा एक्स एक्सिस, तो ये क्या बनेगी स्लोप। तो लिख लो यहां पे ये जो टर्म है ये क्या है स्लोप, और ये जो टर्म है ये क्या है इंटरसेप्ट। ये नोट कर लेना, स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसमें ये स्लोप है, अब ग्राफ में चलते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है और एक वर्क फंक्शन निकालना है। अगर मैं कहूँ ये स्लोप निकाल लो इसकी, ये थीटा ये थीटा, तो यहाँ से इस ट्राइंगल से इसकी स्लोप निकाल लो, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ पर एल डिवाइडेड बाई एन टेन थीटा स्लोप आ गई, और स्लोप आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये रही दिस इज इक्वल टू एल बाई एन। ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा, ये जो वर्क फंक्शन है जो इंटरसेप्ट है, सॉरी इंटरसेप्ट ये रहा, और यहाँ पर इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है L, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये L है। तो एक काम करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H निकाल लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो W नॉट निकाल लो आंसर। तो यहाँ से N और L और M की फॉर्म में वर्क फंक्शन और प्लैंक कॉन्स्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th।
स्केच दी ग्राफ्स शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। देखो ये तो ग्राफ याद है हमें, ये हमने किया हुआ है, वो नहीं किया, तुमने किया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये था, और याद है इंटरसेप्ट क्या था, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई। कह रहे दो फोटोसेंसिटिव मेटल्स का बनाओ, एक की थ्रेशहोल्ड दूसरे की थ्रेशहोल्ड से बड़ी है, तो ए ग्राफ बी का बना दो, ए ग्राफ ए का बना दो। तो इस ग्राफ को देखते हुए विच ऑफ दीज मेटल ए और बी हैज हायर वर्क फंक्शन, तो जिसकी थ्रेशहोल्ड बड़ी है उसका वर्क फंक्शन भी बड़ा है, एक आंसर। दूसरा, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच बाई ई, याद है किया, स्लोप क्या देती है आपको इसमें एच बाई ई, हमने थ्योरी में किया था यही, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ए ऑन पोटेंशियल एक्सिस रिप्रेजेंट, तो इंटरसेप्ट क्या देता है हमें, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई, वर्क फंक्शन ऑन ई देता है, सिंपल, ये ग्राफ हमने किया हुआ है, ये देखो। क्वेश्चन है, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी हमने किया हुआ है। एक्सप्लेन विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ये रहा 0.1 × 10¹⁵। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने किया, जिसकी थ्रेशहोल्ड बड़ी होगी उसका वर्क फंक्शन भी बड़ा होगा, तो सारी एनर्जी तो फोटोन की वर्क फंक्शन को देने में लग जाएगी, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी क्यू की क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन जो क्यू का होगा उसमें से कम स्पीड से निकलेगा, कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मेटल पी इज डबल्ड, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। देखो अगर मैं रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट की दूरी बढ़ा दूं तो क्या होगा, लाइट कम गिरेगी, कम का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरेंगे, कम का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरना, इंटेंसिटी का कम होना इस, लेकिन जो भी फोटोन गिरेंगे उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा, तो ना तो काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को हिट करना है, बाकी गिरे या ना गिरे हमें क्या लेना। हाँ, नंबर ऑफ फोटोन जरूर कम गिरेंगे, करंट कम हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि दूरी करने से फोटोन्स इंटेंसिटी कम हो जाती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाते हैं, करंट कम हो सकता है, पर ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर है, ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई असर है। ये रहा, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ टू फोटोसेंसिटिव मेटल्स M1 एंड M2। वाई इज स्लोप सेम फॉर बोथ दी लाइन्स, क्योंकि वी नॉट वर्सेज फ्रीक्वेंसी की स्लोप देती क्या है, एच अपॉन ई, ना तो एच चेंज हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो रहा है, तो फिर स्लोप विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है, फॉर विच मटीरियल विल द एमिटेड काइनेटिक या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड ज्यादा होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की
कम होगी, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया। अब तो सेम क्वेश्चन है, इसे देखें। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये वाली, तो इसकी ज्यादा है तो वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो सारी एनर्जी फोटोन की तो वर्क फंक्शन को देने में लग जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? कम एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होगी। जिसका वर्क फंक्शन कम है तो ज्यादातर एनर्जी किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को, और वो मूव करेगा। एम वन का थ्रेशोल्ड कम है, सेम का आंसर है इसका। वापस चलता हूं, पी और क्यू में क्या कह रहे थे? हाँ, इसमें भी सेम है, इसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा है, इसकी 1 × 10^15 है और इसकी 0.1 × 10^15 है। क्यू का थ्रेशोल्ड कम है, नहीं गलत है, क्यू का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इसमें, सही नहीं है ना? इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यू की ज्यादा हो गई ना, इस ग्राफ में चेक करूं, क्यू की, ये देखो न्यू नॉट ज्यादा है, क्यू का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लैम्डा कम है, लैम्डा उल्टा हो जाएगा। ये लो, क्वेश्चन है कि एक ग्राफ है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फिर से एक बार, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शंस फॉर एम वन एंड एम टू। तो एम वन एम टू में ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क फंक्शन, इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे वर्क फंक्शन, एक आंसर। ये चेक करो कि इस पार्ट का आंसर कितने लोगों को समझ में आ गया इसको देखते हुए। क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एम वन एंड एम टू फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री। तो वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वो कह रहा है कि ठीक है एम वन के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री की रेडिएशन गिरता हूँ और न्यू थ्री न्यू जीरो टू से बड़े, इसका मतलब कि न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मेटल वन का भी होगा और मेटल टू का भी होगा, क्योंकि न्यू थ्री की फ्रीक्वेंसी दोनों की थ्रेशोल्ड से तो बड़ी है। तो न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी पे मैं ट्रांसमिशन कर, जो है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है, इंसिडेंट रेडिएशंस आर वी वन एंड वी टू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जब मैंने न्यू थ्री यूज किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल वी टू आया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल वी वन आया, ये खुद बनाने हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका न्यू थ्री से इंटरसेक्ट कर लो, ये वी टू है और ये वी वन है। आपको क्या निकालना है? शो दैट स्लोप ऑफ द लाइंस इक्वल टू दिस। तो लाइन की स्लोप तो सेम ही है, इसी की निकाल दो
तो स्लोप ऑफ लाइंस निकालनी है। तो एक काम करते हैं, स्लोप के लिए ये ले लेते हैं ग्राफ। तो इतने पोर्शन के लिए, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए स्लोप क्या होगी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, सही है। तो ए बी की लेंथ क्या होगी, वी वन माइनस वी टू, तो आ गया न्यूमिनेटर वी वन माइनस वी टू। डिनोमिनेटर क्या आएगा, बी सी। अब बी सी के अंदर कितने लोगों का आंसर ये आ गया, समझ में आ गया कैसे हुआ, और कितनों को लगता है कि आंसर बी तो न्यू थ्री है, आंसर न्यू थ्री की फॉर्म में आना चाहिए था, नहीं ठीक लिखा है। देखो हमने क्या निकालना है, हमें ये पता है कि स्लोप क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो लिख लेते हैं स्लोप इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ए बी तो मैंने निकाल दिया वी वन माइनस वी टू। बी सी निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि बी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, पर सी के नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। तो एक काम करो, आप ये पैरेललोग्राम ले लो, ये देख रहे हो पैरेललोग्राम नीचे वाला, इस पैरेललोग्राम में जो बी सी की लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, और ये लेंथ क्या है, न्यू जीरो टू माइनस न्यू जीरो वन, आंसर पैरेललोग्राम से लेंथ निकाल दी। समझ में आ रहा है यहां तक, तो प्रूव हो गया, पॉइंट क्लियर है कि कैसे इसमें सोचा है। ओके नेक्स्ट होमवर्क, ये हमने किए हुए हैं ग्राफ सारे, वो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ हमने किए हुए हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम नंबर 21 का ये न्यूमेरिकल, ये आपको कंपटीशन में भी दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, और सीबीएसई के पेपर में भी दिखेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। खुद से ट्राई कर लो, पहले इक्वेशन बनाओ आइंस्टाइन की, इक्वेशन बनाओ लैम्डा वन लैम्डा टू, इक्वेशन बनेंगी।
कितनों को समझ में आया ये? बस देखो, तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल्ड व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेस फ्रॉम लैम्डा वन से लैम्डा टू. आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है और वर्क फंक्शन निकालना है. तो देखो अब इक्वेशन बनाओ. आपको इक्वेशन क्या आती है? एच न्यू इज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और लैम्डा की फॉर्म में क्या आता है? एच सी बाय लैम्डा, इसकी जगह एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. दो केस बनाओ. जब वेवलेंथ लैम्डा वन है, लैम्डा वन है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है. और जब वेवलेंथ लैम्डा वन की जगह लैम्डा टू है, तो एनर्जी कितनी है? ट्वाइस है. क्या दोनों इक्वेशन क्लियर है? इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना होता है आपको? इसके अंदर अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, अगर आप लैम्डा नॉट निकालना चाहते हैं, तो आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में इसको टू से मल्टीप्लाई कर लें. टू से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये ट्वाइस हो जाएगा. तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये टर्म उड़ जाएगी. ये टर्म उड़ेगी तो आपके पास ये टर्म आएगी. यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा नॉट इसके इक्वल आएगा. ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा. सब्जेक्टिव में प्रूव करने को भी आ सकता है ये. अगर एनसीईआरटी वाले देंगे तो प्रूव करने को देते हैं ऐसा. पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? दो इक्वेशन नॉर्मली ऐसे केस में दो इक्वेशन बनती हैं और दोनों को माइनस किया जाता है ताकि कम से कम एक फैक्टर तो उड़ ही जाए. ठीक, तो यहाँ से वर्क फंक्शन भी आ जाएगा क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा नॉट. जब लैम्डा नॉट आपने निकाल ही लिया तो वहां से यहां पर वैल्यू पुट करके वर्क फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड. अब लास्ट इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है. 29th देखो क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल. सेम पोटेंशियल का मतलब है चार्ज इनटू पोटेंशियल में पोटेंशियल दोनों में सेम है पर चार्ज डिफरेंट है. तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है. विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला जो हमने किया वो ये याद किया था, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो अब मॉडिफाई कर लें, काइनेटिक एनर्जी कैसे आई? चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसको अपनी बॉक्स में डाल लें, काम आएगा. तो या तो सीधा ये यूज करेंगे या सीधा ये यूज करेंगे. तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो मुझे पता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास एंड चार्ज. तो एक बार ये इक्वेशन प्रोटॉन के लिए, एक बार ये इक्वेशन अल्फा के लिए. अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 times है प्रोटॉन से और चार्ज 2x है. तो सब कैंसिल आंसर. तो यानी कि प्रोटॉन का जो लैम्डा है वो अल्फा पार्टिकल से क्या आएगा? ज्यादा आएगा. तो ये कंपैरिजन हो गया. तो फर्स्ट पार्ट में यही निकालना था कि कौन सी वेवलेंथ बड़ी है और सेकंड पार्ट में निकालना है एनर्जी किसकी छोटी है. अब जो एनर्जी होती है वो क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल. पोटेंशियल तो सेम है तो यानी कि एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज. तो चार्ज प्रोटॉन का और अल्फा का. तो यहाँ प्रोटॉन की एनर्जी, अल्फा की एनर्जी, अल्फा का चार्ज 2x है प्रोटॉन से, कैंसल. तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है अल्फा से. तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये रेशियोज निकलेंगी? ऐसे क्वेश्चन आएंगे. इस क्वेश्चन को देखो.
देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है. विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ? तो मैंने क्या बताया, चार्ज भी सेम है, वी भी सेम है, पर मास सेम नहीं है. तो हमने क्या सीखा था अभी कि मास और चार्ज में चार्ज तो सेम ही है. अब ऐसे ही बता दो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कम होता है, तो उसका लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा आएगा. तो वैसे ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रोटॉन से ज़्यादा आएगी. ठीक, नेक्स्ट है क्या निकाला है, मोमेंटम का क्या होगा. मोमेंटम क्या था, अंडर रूट ऑफ 2 m k, के की जगह चार्ज इंटू पोटेंशियल. तो मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ मास पे. तो जिसका मास बड़ा है, किसका, प्रोटोन का, तो मोमेंटम प्रोटोन का बड़ा है. समझ में आ रहा है कैसे करना है. 31, इसमें इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. चलो काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है. विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ? तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, पी स्क्वायर बाय 2 m. हमें तो सीधा ही याद है पी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 m के. हमें तो सीधा ही याद है, ये भी नहीं करना, लैम्डा क्या होता है, एच बाय अंडर रूट ऑफ 2 m के. के तो तीनों पार्टिकल का सेम ही है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अल्फा का मास सबसे बड़ा होता है, फिर प्रोटोन का, फिर इलेक्ट्रॉन का. तो लैम्डा उल्टा वेरिएशन हो गया, तो मास जिसका बड़ा है लैम्डा उसका छोटा है. आंसर ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट वेरिएशन याद करना कि मास कितने है, चार्ज कितने, अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का. ये मैग्नेटिक इफेक्ट में लिख के भी दिया था वैसे मैंने शीट में किसी, और ये बहुत आता है, या तो मैग्नेटिक में आएगा या इसमें आएगा. तो ये तीनों पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आने आने हैं. तो इसमें अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल. चलो वी सेम है इस बार. कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोमेंटम. देखो मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट 2 m k, k की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल. सीधे फॉर्मूला याद हो गया हमें. तो एक बार किसके लिए, अल्फा के लिए, एक बार किसके लिए, प्रोटोन के लिए. वी दोनों का सेम है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन और चार्ज डबल. कैंसिल आंसर. तो मास और चार्ज आपस में कैंसिल करके आंसर सेम क्वेश्चन है. 34th, देखो प्लॉट अ ग्राफ, ध्यान आगे, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v. क्या हमने ग्राफ किया है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं किया. तो कह रहा है ग्राफ प्लॉट करो लैम्डा वर्सेस 1/√v का. तो आपको फॉर्मूला आता क्या है पोटेंशियल का और लैम्डा का, एक ही फॉर्मूला आता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m k, k की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो पोटेंशियल वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ. तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो
तो ये क्या है, स्लोप है, और क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो आपने दो ग्राफ बना दिए, किसी की स्लोप ज्यादा किसी की स्लोप कम, एक आंसर आ गया। आपको बताना है किसका मास ज्यादा किसका मास कम, जिस जो स्लोप है वो ये है, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मास आ रहा है। तो अगर जिसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप ज्यादा है, तो इसका मास कम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास है, और जिसकी स्लोप कम है उसका मास ज्यादा है। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। हाँ ये रहा 36। क्वेश्चन है कि व्हाट रीजनिंग, नहीं नहीं ये वाला बी पार्ट, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ, अंडरलाइन करो, फोटोन डी ब्रोगली का रिजल्ट किसके लिए था, पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, लेकिन ये वेवलेंथ किसकी है, फोटोन, तो फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास एम हैज द सेम वैल्यू से लैम्डा, तो लैम्डा दोनों में सेम है, चाहे पार्टिकल्स डी ब्रोगली का रिजल्ट निकाल के पार्टिकल का लैम्डा निकाल लो या फोटोन का लैम्डा निकाल लो, बराबर है। शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो रूल नंबर वन, एनर्जी ऑफ फोटोन, कोई हाफ एम बी स्क्वायर मत लगा देना, फोटोन की स्पीड सी होती है, इस पर नहीं लगता हाफ एम बी स्क्वायर, तो एनर्जी क्या लगता है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, और प्रोटॉन के लिए लगता है पी स्क्वायर बाय 2m, तो प्रोटॉन के लिए पी स्क्वायर बाय 2m, और p क्या होता है, h बाय लैम्डा, तो p की जगह h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो एक काम क्यों नहीं करते, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके ये टर्म आ गई, और यही प्रूव करना है कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी इज इतने टाइम्स प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी। आंसर ठीक है यहां तक, ठीक। ये रहा 39, या होमवर्क कर लो 39, बस ठीक है, हो गया, ठीक है।